लोकसभा चुनाव के बाद अब दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस की निगाहें राजस्थान में होने वाले उपचुनाव वाली 5 सीटों पर है। विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर चुने गए विधायकों के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये सीटें खाली हो गई है। आगामी 6 माह में इन सीटों पर उपचुनाव होंगे और इन उपचुनाव में राजस्थान के भजनलाल सरकार की फिर अग्नि परीक्षा होगी। वैसे कहा जाता है कि जहां जिस पार्टी की सरकार होती है वहां उपचुनाव उसके पक्ष में ही होते हैं। अब देखना यह है कि इन 5 सीटों के उपचुनाव में नए चेहरे उतारे जाएंगे या जो विधायक सांसद बन गए हैं उन्हीं के रिश्तेदारों को मौका दिया जाए। उधर कांग्रेस में संभवतया चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि उपचुनाव में उनकी पार्टी शानदार जीत दर्ज करेगी। इन सीटों पर मुकाबला कड़ा और रोचक होने वाला है। यह उपचुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा होगा, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले करणपुर विधानसभा सीट के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भाजपा ने मंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल ने उनके लिए प्रचार किया। इसके बाद भी टीटी नहीं जीत सके और मंत्री पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद बागीदोरा में उपचुनाव हुआ, वहां से भाजपा में शामिल होकर चुनाव लड़े महेंद्र सिंह मालवीय भी नहीं जीत सके। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। 2 साल लोकसभा सीट पर कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा, टोंक सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा, झुंझुनू सीट पर कांग्रेस विधायक विजेंद्र ओला, बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से बाप के राजकुमार रोत और नागौर लोकसभा सीट पर आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने जीत दर्ज की। इस कारण दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, खींवसर एवं 84 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होंगे। वहीं अलवर लोकसभा सीट पर ललित यादव एवं बाड़मेर जैसलमेर सीट पर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव हार गए। देश प्रदेश की इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए महानगर टाइम्स के साथ।